मसीह की जय। मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। सचमुच में आज का वचन हम मैं और परमेश्वर की दासी ग्लोरिया एक वचन लेकर आए हैं रूत की किताब तीसरा अध्याय उसके चार पद में। वहां पर ग्लोरिया इस प्रकार से लिखा है कि जब वह लेट जाए तब तो उसके लेटने के स्थान को देख लेना और फिर भीतर जाकर उसके पांव को उगाड़ के लेट जाना, तब है तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। पहली बात है कि जब वो लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, मतलब जब वो लेट जाए यानी किसी को पता ना चले, है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि उसने बोला कि जब वह लेट जाए तो उसके लेटने के स्थान को क्या करना, देख लेना। शायद जब वो लेटा हो या सोने वाला हो, सोने की तैयारी करो, दूर से इसने खड़े होके शायद देख लिया। यस यस, ऐसा हो सकता है। दूर से खड़े होके इसने देख लिया होगा और वो खड़ी गुप्त में हो रहा था, ये सब कुछ गुप्त में हो रहा था और रूथ को कुछ नहीं पता था, उसकी सास को सब कुछ पता था। तो इसलिए इसने दूर से ही खड़े होकर देखा होगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, सोने की तैयारी कर रहा है, कहाँ पे है, क्योंकि इसको स्थान भी पता होना चाहिए। रूथ को पता था कि वो कहाँ बीनती है, इतना तो मालूम था उसको, इतना तो पता था। लेकिन आज जो उसका जो आज रात का जो ढेर है, गेहूं का ढेर है, जो आज रात के लिए थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा दिक्कत थी, थोड़ी परेशानी भी थी और थोड़ा उसको डर भी होगा अकेली, क्योंकि वहां पर थी वो। और जो काम था वो बहुत एक अच्छा बड़ा काम था, मतलब उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी सामर्थ चाहिए जो काम उसे करना था, और उसकी सास ने जो काम उसको सौंपा था करने के लिए। तो उसने वही है कि उसने दूर से शायद देखा होगा कि वो सोने वाला है, ये नहीं है कि वो एकदम सो गया और वो एकदम चली गई, नहीं ऐसा नहीं कि सोया और तुरंत उसके पाँव को से चादर हटा ली और वहाँ लेट गई, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो जब गहरी नींद में चला गया होगा, जब इसको वहां पर एक घंटा या डेढ़ घंटा हो चुका होगा, जब इसको लगा होगा कि अब बस क्या है बोझ, गहरी नींद में है बोझ, तब ये वहां पर गई और जाकर उसके पांव के साथ क्या होगी, लेट गई पांव की तरफ, पांव के चादर भी उगाड़ी, पांव की चादर भी, सास ने कहा, सास ने कहा कि उसके पांव की चादर को क्या कर लेना, तू उगाड़ लेना। और जैसे ही उसने चादर को उगाड़ा और बोझ क्या हो गया, जाग उठा एकदम से, क्योंकि ठंड लगी होगी या चादर हटी होगी, तो चादर हो सकता है उसके नीचे दबी हो, इधर उधर दबी होगी चादर, तो जैसे चादर को जैसे खींचते हैं तो उस टाइम महसूस होता है इंसान को कि कोई मेरे ऊपर से क्या करे, चादर को उतार खींच रहा है। खींचा नहीं है ग्लोरिया, लिखा वहां चादर को उगाड़ के ऊपरी साइड में कर दिया, पांव नंगे कर दिए। जब किसी के पांव नंगे होते हैं, मान लीजिए आधे शरीर पे चादर है और पांव नंगे हो गए, तो थोड़ा सा महसूस होगा कि मैंने पूरी चादर ओढ़ी थी लेकिन ये मेरे पांव नंगे कैसे हो गए, फिर से वो अपने पांव को हिलाएगा, हिलाएगा उस चादर को ठीक करने की कोशिश कर, चादर को ठीक करने की इधर उधर ही होगी, यही पे होगी, यस, पास में ही होगी चादर, इसलिए उसको ठीक करने की कोशिश वो कर रहा होगा। कहते कि फिर नुआमी कहती है, उसकी सास ने कहा कि वही तुझे बताएगा तुझे अब क्या करना है। सब कुछ उसकी सास ने उसको बता दिया था कि तुझे कुछ नहीं करना, और ये भी कहा कि वही तुझे बताएगा कि आगे तुझे क्या करना है, और वही हुआ, भोज ने इसको बताया वहां पर जो भी। मैं अगर कहना चाहूँ कि उसने उसे कहा, रूथ की एक बात और अच्छी लगती है, रूथ अपनी सास, जब सास उसे समझा रही है, उसका भी कोई ऐसा उत्तर नहीं है कि नेगेटिव हो, नहीं है ना, नकारात्मक हो, नहीं कि मैं नहीं करूंगी, मैं भली स्त्री हूँ, जबकि भली स्त्री थी, भली वो परमेश्वर का भय मानती थी, नुआमी भी मानती थी, पर नुआमी को पता है कि इसके लिए मुझे ठाउं ढूंढना है, मुझे इसके लिए घर बना बसाना है, और मेरा कर्तव्य है एक माँ बन के, सास होते हुए एक माँ बन के मैं इसके लिए ऐसा करूँ। तो उसमें वचन बताता है पांच पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसने उससे कहा, जो कुछ उसने कहा नुआमी ने रूथ से, उसने कहा जो कुछ तू कहती है वह मैं सब करूंगी। एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, ऐसा बोल सकती है ना, बोल सकती है हर एक के, तो नहीं आज के समय में लगता नहीं, है कि आज के समय में तो आज के समय में कोई बेटी या बहू, बहू या बेटी या बेटा, कोई भी काम कहा कोई भी हो, तो मतलब आज के समय में माँ बाप का कहना बहुत ही कम मानते हैं, बहुत कम मानते हैं, दुख की बात है। पर रूथ, रूथ की कहानी पढ़ते है ना, तो हम यीशु मसीह को देखते हैं यहाँ पर। जब से रूथ उसके साथ चली तब से वो अपनी सास की बात को मानती चली गई, कहीं भी उसने विरोध नहीं किया किसी बात का भी, कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगी, कभी वो तंग भी नहीं हुई, मैं तंग होगी अपनी सास से,
इसके साथ ही रह रही है तो मेरे बारे में कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ ऐसा है। लेकिन यह है कि वो हर एक बात को अपनी सास की मानती चलेगी, आज्ञा को मानती चलेगी, कहते जो कुछ तो कहते है सब सब करूंगी। हाँ मतलब कि वो भी इसकी भी चाहत है कि मेरी सास कभी भी गलत गाइड नहीं करे, गलत तरीके से मुझे गलत राह पे नहीं ले जाए, है ना। ये एक बड़ा विश्वास होता है, क्योंकि अगर इसने अपनी माँ बनाया है, सास को माँ समझा है, तो इसने बेटी समझा है। हाँ जी। और बेटी को कोई गलत राह पे ले जाएगा नहीं, नहीं लेके, बहुत कम होगा जो गलत राह पे ले जाए, नहीं लेके जाते। ये बात सही है। तो आगे छठा पद में लिखा है, जो छह पद है रूद के तीसरे अध्याय का, वहां लिखा है ग्लोरिया तब वह खलिहान को गई और अपनी सास के आगे के अनुसार उसने किया, मतलब कि आज्ञाकारी बेटी, आज्ञाकारी बहू, और इस तरीके से बहुत सी बातें हैं जो आज्ञाकारिता को दिखाता है। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। तो आज हम कुछ और बातें भी देखें कि जब बोझ खा पी चुका, वचन में लिखा सात पद में, जब वो खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, मतलब कि हो सकता है कि आरा था का उसने दाक मधु पिया हो और वो मगन हो, और बाइबल के अंदर तो ये बात नहीं लिखी, पर यहूदियों की एक प्रथा रही है कि खाने के बाद सोने से पहले वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं या आनंद मनाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद थैंक्स देते हैं पूरे दिन भर के फसल के लिए, दिन भर के काम के लिए। जैसे कि आज के समय में यीशु मसीह के मानने वाले तमाम लोग दिन भर के लिए धन्यवाद देते कि उसने हमें संभाला है, तो उसने ऐसे किया होगा। हाँ जी किया जी। और कहते कि तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर वो लेट गया, ऐसा वचन बता रहा है, और वह जो चुपचाप गई, ये बात सोचने वाली, वो चुपचाप गई, पांव की आहट तक उस किसी को सुनाई नहीं दी, और उसके पांव उगाड़ के लेट गए। जब वो लेट गई, वचन आगे बताता है आठ पद में कि आधी रात को वह पुरुष बहुत चौंक पड़ा, बहुत उसके मन में क्या होगा कि अरे कौन है, तो ये सब बातें हैं। और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है, तो समय का क्या माहौल रहा होगा ग्लोरिया कि वो चौंका, उसने देखा कोई स्त्री है, तो ये बात थोड़ा सा बताइए। हाँ। क्लियर कीजिए। देखो जैसे वो आधी रात को चुपचाप वहां पर गई और उसकी चादर है जो उसको उसने क्या किया, उघाड़ दिया, तो मतलब वो एकदम से देख करके चौंक गया, उसको देखकर तो चौंक ही गया, क्योंकि इतनी रात को ये स्त्री यहाँ पर क्या करी, क्योंकि ये तो भली स्त्री है। उसके बारे में वो उसको बोझ को सब कुछ पता था रूद के बारे में, और वो इसलिए डर गया कि कहीं किसी ने देख ना लियो, कहीं कोई देख ना रहो, कहीं बदनामी ना हो। मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं उसको कुछ नहीं, तो वो भी तेल लगा कर आता, वो भी अच्छे वस्त्र पाकर आता, बोझ को कुछ भी नहीं पता, और पहले से सब लोगों को वहां से निकाल देता, लाश सब जाओ खाली कर दो, ऐसे प्लान में आता नहीं, वो तो किसी भी प्लानिंग में था ही नहीं, वो तो अचानक से एकदम से देख करके रूथ को वहां पर क्या हो गया, चौंक गया। लेकिन जब वो चौंक गया तो उसने पूछा उससे, तू कौन है, उसने बोला मैं रूथ हूँ। हाँ, तब वो बोली मैं तो तेरी दासी, ऐसा बोले मैं तेरी दासी रूथ हूँ, मैं तेरी दासी रूथ हूँ, ऐसा में मैं कहना चाहूंगा कि उसने रूथ ने जो बात की है आदर पूर्वक बात की है, मैं तेरी दासी रूथ हूँ, तो अपनी दासी को चादर उड़ा दे। चादर उड़ाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चादर उड़ाने के बारे में तो यही है कि देखो जब मान लो कोई स्त्री ऐसे हो जाए तो परिवार में, जैसे आज के समय में हम देखते हैं, आज के समय में अगर परिवार में कोई ऐसा हो जाए, कार्य हो जाए, मान लो विधवा हो जाए, भाभी विधवा हो जाए, या कोई ऐसे हो जाए परिवार में, तो जो उनके परिवार में कोई छोटा बेटा हो या बड़ा बेटा हो या भाई हो, या उनके रिश्तेदारी में भी हो सकता है, ये नहीं है कि उनके परिवार में रिश्तेदारी में भी हो सकता है, तो उसको यही कहते हैं कि कोई नहीं तो इसको क्या कर, चादर उड़ा दे और इसके ब्याह ले, अपने इसको रख ले, इसको रख ले, इसको भाई का फर्ज निभा, भाई का फर्ज क्या कर निभा, तो उस चीज को बोलते कि चादर उड़ाना, मतलब अपना कर लेना, अपना कर लेना, और मतलब चादर उड़ा कवर के कवरिंग करना, अपने रक्षा करना, जैसे एक मुर्गी, ऐसा है वचन बताता, जैसे एक मुर्गी अपने पंखों के नीचे बच्चों को छुपा लेती है, वैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें छुपा लेते हैं। तो ये चादर ये भी दिखा रही कि तो जैसे वचन कह रहा है परम प्रधान के छाया स्थान में जो बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए, ये सच है, सच है ना। और ये चादर ये दिखा रही है, दर्शा रही है ग्लोरिया कि बोझ को उसने कहा ये चादर मुझे उड़ा दे, कहने का अर्थ ये था जो, क्योंकि उसके सास ने पहले से उसे सिखाया था, समझाया था,
ये कहा था कि तू ऐसे से करना, और उसने कहा जो तू कहेगी मैं करूंगी, एक आज्ञा को माना भी। तो यही है बात कि उसके बाद कहता है चादर उड़ा दे। एक बात और उसने कही कि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला हमारा कुटुंबी है। हाँ। मतलब कि वो गलत तरीके से नहीं गई, नहीं या कोई ऐसा नहीं था कि या कोई बिना कुटुंबी के है ना वो किसी और के पास गई। और आज के समय में ग्लोरिया हम देखते हैं कि अगर कोई विधवा हो जाए, अगर वो जवान स्त्री है तो वो शादी करे या ना करे तो अलग बात है, ये तो बात का मैटर है, लेकिन उसका जीवन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो अपने साथ को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं, दूध पिलाने वाली माता भूल जाएगी, परमेश्वर नहीं भूलेगा, ये वचन यहाँ पर पूरा हो जाता है। वो अपने माँ बापों को भी छोड़ देते, माँ बाप को भी छोड़ देते, फिर कहाँ जाते हैं देखिए आप बताएंगे कि वो क्या करते हैं। फिर वो क्या करती है, वो अपनी मन मर्जी करती है, अपनी मन मर्जी करती है, अपनी मर्जी के स्थान पर जाती है, अपनी मर्जी के अनुसार वो क्या करती है, शादी कर लेती है। ये बड़ी दुख की बात है ग्लोरिया की, एक जवान है ना विधवा हुई है तो कह सकते कि ऊपर की एक परमेश्वर की ओर से विपत्ति है, और विपत्ति को हैंडल करना परमेश्वर का काम है, और उस मनुष्य का भी है कि जिसके साथ ही घटना घटी है। तो रुद्र तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को निभाया है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि रूथ एक ऐसी स्त्री थी जो भली स्त्री थी, जिसको हम वचन में देखते हैं, उसने सारी बातें की कि तू मुझे चादर उड़ा दे और मैं तू मेरा भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है। तो प्रभु सचमुच में इस चर्चा के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, बहुत सी जानकारी परमेश्वर आपको दे। ग्लोरिया ने भी बहुत सी बातों का जवाब सही तरीके से दिया है, और हमने जो सवाल आपके सामने रखे हैं प्रियो, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी वचन को मानते हैं और आप भी वचन को मानते हैं, आप भी हमें बहुत सी जानकारियां दे सकते हैं। तो मैं और ग्लोरिया आपसे विदा लेते हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष, गॉड ब्लेस यू।